सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम करवाने वाले अपनी कार की सर्विस, क्योंकि जब से मेरी कार आई है 1300 किलोमीटर चल चुकी है, बट उन्होंने मेरे को बोला था कि 1000 किलोमीटर पे करानी है। और आप देख ही सकते हो, मैंने एक बार भी वॉश नहीं करवाई है, इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है। पीछे से दिखा, जो मैंने आपको बताया था मैंने आज तक नहीं करवाई, अभी तक टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा सर्विस भी करवा लेते हैं, सर्विस में वॉशिंग भी हो जाएगी। और एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो, एक दो तीन, ये सारा रबिंग सेट जाएगा। ये जिस दिन मैं लेकर आया था तब लगी थी, और एक दो बार छोटी मोटी जगह से निकालते हुए तब लगी थी। और बाकी फिलहाल गाड़ी अपनी पूरी सेफ है। तो अभी फटाफट चलते हैं, मैंने उनसे फ़ोन करके उनकी टाइमिंग ले ली थी, उन्होंने मेरे को बोल रखा था कि 12 बजे आ जाना, बट अभी बज रहे 1, और यहाँ से हमें जाना है गाड़ी के शोरूम, जो कि है नेक्सा मोती नगर में। सो फटाफट चलते हैं, फिर करवा के आते हैं, शाम को जल्दी जाना है। चला बैठ, ओके। सो गाइस, जो मैंने गाड़ी के अंदर मास्क रखे हुए थे वो ख़त्म हो गए, जो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में दिखाए थे हो गए, जिसमें मैं गुड़गांव गया था। सो अभी यहाँ से मास्क ले रहे सुभाष नगर से, एक तो बड़ी ज़रूरी होगी ये मास्क वाली चीज़, ये तो मिनट से पहले चलान कट जाता है, अगर कोई रीज़न ना भी हो तब भी रोक लेंगे कि मास्क नहीं है। अब तो मिल गया मास्क, बढ़िया। सो गाइस, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैंने गाड़ी ली थी तब इसकी 10 की एवरेज थी, और फिर एक बारी मैं कहाँ लेकर गया था, गुड़गामा, तब वही इसकी 12-13 की एवरेज, फिर थोड़ा घूमते घूमते फिर एक दो जगह और लेकर गया था तो फिर इसकी हुई 14.8, फिर अब हो चुकी है इसकी, अब मैं देख लेता हूँ एक बार, लास्ट अभी देखी थी 15, हाँ तो भी 15 ही है। बाकी मेरे को किसी ने बताया था कि जैसे जैसे सर्विस होती रहती है तो इनकी बढ़ती रहती है एवरेज, तो जैसे जैसे बढ़ती रहेगी अपने लिए बढ़िया। और ये मेरी पहली ही गाड़ी की सर्विस है, तो मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या क्या होता है, ऑयल वगैरह चेंज होता है और छोटे मोटे काम होते हैं। एक तो वो पानी, क्या कहते हैं इसका, एक तो इसका पानी भी बार बार ख़त्म हो जाता है, आज मैं ज़्यादा ही डलवा लूँगा, हर बार बोतल जितनी भी गाड़ी में होती है मैं सारी अंदर डाल देता हूँ, तो आज ज़्यादा ही डलवा लेंगे इसके अंदर, जितना डलता है 1 लीटर शायद डलता है इसके अंदर, मेरे को किसी ने बताया था। सो अभी वो हमारा वेट कर रहे हैं, फटाफट चलते हैं वहाँ पर, अभी जाम हो रखा है काफ़ी ज़्यादा। ओके सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं नेक्सा शोरूम की बैक साइड पे, इसी की बैक साइड पे इनकी इन गाड़ियों की सर्विस सेंटर भी है। सो मेरे लिए इजी हो चुका है कि पास में ही है और मैं आराम से आ गया, मैं इस वाले शीशे से निकल जाता हूं पहले। सो गाइस, ये बुक ऐसे लेके घर से निकला था मेरे, तो ऐसी लुक आ रही थी, अभी मैं फोटो डालूंगा एक साइड में, जैसे कि ये मेरा वो हो गया है, मेरा वकील हो, और हम कोई अपना नहीं यार, भगवान करे कोई केस ना हमारे ऊपर, मजाक कर रहा हूँ मैं, मतलब वकील जैसा लग रहा था ये। और मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ मैं अपने YouTube चैनल पे अब एक्टिव हो चुका हूँ, आज सुबह ही मैंने वीडियो डाली है, इसको पता है कितनी जल्दी बाजे, मैंने अपने दोस्त के घर पे जाके डाली, क्योंकि मैं कार लेके पहले ही निकल चुका था अपने घर से। सो फिर मैं दोबारा यहाँ पे वीडियो बनाने आ गया हूँ। सो आपको कैसा लग रहा है, रेगुलर व्लॉग्स मिल रहे हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना साथ साथ में। सो ये इनका सर्विस सेंटर है बैक साइड में ही, और फ्रंट में इनका शोरूम है। ये सारी बलिनो खड़ी है, शिफ्ट बलिनो, शिफ्ट यहाँ पर, यहाँ पर, और ये थी हमारी अपनी बलिनो जो रखी काफ़ी ज़्यादा अभी गंदी, बट कोई बात नहीं, यहाँ से अभी चमचमाती निकलेगी। बड़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे यार, यही वेलकम हो रही है, मतलब धूप में खड़ा कर दिया यार, कॉफ़ी भी नहीं पूछी अभी तक, आगे जाके बैठे हम फिर अपना, इनको भी दिखा दें जो हाँ जी सर दिखाए, काम हो जाएगा, टेंशन मत ले, पोल्यूशन नहीं करवाना यार, वो पोल्यूशन तो वो वाले वहाँ से होएगा, ये सामने भाई, अच्छा यहीं से हो जाएगा घर वाले, तो भी थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं पेपर वर्क की, फिर मैं आपको सिनेमैटिक टेस्ट दिखाऊंगा। और क्योंकि इन्होंने हमें अलाउ कर दिया है आते सारी, जैसे हम आए थे इन्होंने मेरी अप्रोच लगा दी थी कि इनको पूरे अलाउ है वीडियो शूट वगैरह करने के लिए, तो मैं यहाँ पर वीडियो भी शूट कर सकता हूँ आराम से, अभी आपको वो भी दिखाऊँगा, और कॉफ़ी भी पीऊँगा, नींद आ रही है, सुबह 8 बजे उठा था, मेरी नींद भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रखी है अभी, कम नींद मैंने बहुत कम नींद ली है, सुबह 8 बजे उठ गया था और 4 बजे सोया था, पहली बार होगा टाइम से सोया, आज पहली बार टाइम से सोया ही, कहा हूँ मैं तो सोया ही 3:30 बजे 4 बजे था अपना, आधा एडिट करके फिर सुबह उठ के फिर एडिट करा, फिर मैं नहा धो के सर्विस के लिए आ गया, और अभी नींद आ रही है काफ़ी ज़्यादा मेरे को। और गाइस, अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, देख रहे हो सारा ब्लैक ब्लैक, एक कारपेट भी गंदा है मेरा वाला, तो इससे भी ज़्यादा गंदा ये, तो फिर भी मैंने एक बार साफ़ कर लिया था, यहाँ पर भी, यहाँ पर अभी बुलबुल का बच्चा बन जाएगी अपनी गाड़ी, वो देखो ना सारा बहुत गंदी हो रखी है, जमाई मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरी पूरी।
होगा ये हमारा साइड मिरर, ऐसा लग नहीं रहा इसके ऊपर कोई कभी स्क्रैच पड़ा भी था लाइफ में। एक नंबर कर दिया आपने। सो गाइस अभी मेरी गाड़ी आ चुकी है वर्कशॉप में, तो अभी जो सर्विस का काम है वो होगा। बाहर जो हुआ था वो वॉशिंग का था सिर्फ, और अभी छोटे मोटे एक दो काम और है वो जो होंगे लास्ट में। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे शीशा गंदा हो रखा है ये भी लास्ट में साफ होगा, रिम पे भी पॉलिश होगी यहाँ पे, रिम पे यहाँ है, और टायर पे भी पॉलिश होगी, रिम भी साफ होएंगे, अभी रिम भी गंदे हैं। तो अभी जो वर्कशॉप वाला काम है वो कर लेते हैं, और इनकी वर्कशॉप देखो कितनी बड़ी है, मज़ेदार खुली डुली यहाँ पे खड़ी हुई है, इसका बम्पर ही नहीं है एक का तो, और वहाँ अंदर गाड़ियाँ पेंट होती है। ओके सो गाइस हमारी गाड़ी पूरी फाइनली सब कुछ हो चुका है, बस फाइनल टच देना रहता है जो साफ सफाई वाला होता है लास्ट। देखो कितनी चमक रही है अब यार, मतलब देख के ना आह पैसा वसूल हो गया। तेरे हाथ कांप रहे साइन मारने में, ओए होए एक नंबर वाला साइन मारा तूने। होगी पूरी फाइनल, ले जाऊँ अब बुलबुल का बच्चा बना दिया हमारी गाड़ी, और हमारे ये रंजीत जी हमारे ओके सो गाइस गाड़ी हो चुकी है फाइनली पूरी कंप्लीट, अंदर से भी बाहर से भी, और वॉश वगैरह तो सबसे पहले ही हो गई थी, तो मेरे को सिर्फ 2 घंटे लगे करवाने में, क्योंकि थोड़ी जान पहचान है और उनको पता था मैंने वीडियो वगैरह बनानी थी, उन्होंने जल्दबाजी में मेरा फटाफट सारा काम करवा दिया था अच्छे से। और मैंने अपनी गाड़ी में फास्ट टैग भी लगवाना था, ये भी लग चुका है यहाँ पे, इससे गाड़ी की लुक थोड़ी अजीब सी लग रही है, बट क्या करें अपन, कंपल्सरी है तो लगवाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अभी पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, मास्क डाल लेता हूँ, नहीं तो एक और चलान कट जाएगा। यू टर्न लेते हैं पहले। ओके सो गाइस सर्विस होने के बाद मैं अपने घर की साइड आ चुका हूँ, सो अभी हम आए टैगोर गार्डन, जो मतलब हम यहाँ से अपनी डाइट पूरी करने आए हैं। बहुत ही अमेजिंग शॉप है, अगर आप नियर बाय रहते हो मतलब टैगोर गार्डन या रजौरी गार्डन, तो मेरे कहने पे जरूर आना इस शॉप पे। सो फटाफट चलते हैं, थोड़ी सी रिकवरी करते हैं, फिर चलते हैं, फिर शाम को जिम भी जाना है, तो शाम को जिम जाना होता है अपने को। और इधर आ चुका है हमारा स्ट्रॉबेरी ओट्स बनाना शेक, एक नंबर है, मैंने ट्राई नहीं करा अभी, पी के देखता हूँ। बहुत बढ़िया सैंडविच आ रहा है, और एक और चिकन क्या मंगाया है, चिकन पेरी 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 सैंडविच, और एक और मंगवाया कुछ चिली चिकन सैंडविच, तो वो आते फिर दिखाता हूँ, चलते हैं।